किसी ने 1 से 10 स्कूल किए, कोई रंक से राजा बना, किसी ने गाड़ी बंगले खरीदे, तो कोई आम इंसान से मंत्री एमपी एमएलए तक बना। पर जब कोरोना में माँ बाप की बारी आई कि कुछ तो फीस कम हो जाए, तो इन कुत्ते कमीने स्कूल वालों ने या तो बच्चों को दफा किया या बच्चों का नाम काट दिया। हे ईश्वर, तूने अच्छा किया जो कफन बना दिया, जो तूने मौत का एक राज छुपाए रखा, वरना ये स्कूल वाले कुत्ते कमीने जो स्कूल की फीस के साथ साथ यूनिफॉर्म भी वहाँ से लो, कॉपियाँ भी वहाँ से लो, जूते भी वहाँ से लो, कफन के पैसे भी हमसे ही मांगते। ये स्कूल वाले इतने कुत्ते कमीने हैं कि कफन के पैसे भी हमसे ही मांगते अगर तूने मौत न बनाई होती। खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे स्कूल वालों को हमें एक्सपोज करना है। बहुत ही चंद स्कूल हैं ऐसे हैं जिन्होंने इस कोरोना में पेरेंट्स की हेल्प करी है, वरना हर स्कूल वाले ने लूटने में कोई कसर न रखी है। आपकी ज़मीन बिक जाए, आपकी गाड़ी बिक जाए, आपकी बंगले बिक जाए, लेकिन आपको अपने बच्चों की फीस जमा ही करनी है। बे सालों कुत्ते कमीनों, इतने महीनों से, इतने सालों से, इतने दशकों से तुम पेरेंट्स की फीस पर गाड़ी बंगले बना रहे हो, तरक्की कर रहे हो, कम से कम कुछ तो सपोर्ट कर देते कुछ महीनों के लिए। दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें, जो स्कूल अच्छे हैं मैं उनको डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।